guys, welcome back to my channel. So in this video, this is going to be the Ramzan prep vlog. And yeah, अभी मैं अभी अपनी सारा साफ सफाई स्टार्ट कर रही हूँ, जो भी डस्टिंग एंड वो सब मुझे पूरा ये सब सही करना है. आप देख सकते हो कितना पसारा हो चुका है, मुझे सब कुछ अभी सही करना है. ओह माय गॉड, मुझे मम्मी याद आ रही है अभी साफ करने के टाइम. बट अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा बिफोर, और फिर मैं अभी आपको आफ्टर भी दिखाऊंगी. मैं थोड़ा बहुत ही साफ़ कर पाऊँगी आज, क्योंकि मेरा मन है एंड ऑल्सो मुझे काफ़ी शूट करना है, तो मैं जितना हो सकेगा आज कर लूँगी मेरा जो साफ सफाई वो. और फिर उसके बाद में आई ऑल्सो नीड टू गो टू क्रॉफर्ड मार्केट फॉर ऑल द फॉर बाइंग ऑल स्टफ जो भी रमजान में लगता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ क्रॉफर्ड मार्केट एंड टू डू द रमज़ान एंड बेसिक शॉपिंग जो भी हमको लगता है रमज़ान में. आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ से क्या क्या लेते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. आई विल शो यू मिरर में भी कि मैं क्या पहन रही हूँ. एंड बाल तो मैं ऐसे ही टाई अप कर दूँगी बिकॉज वहाँ पर बहुत गर्मी होती है एंड ऑलरेडी मुंबई में इट इज़ वेरी हॉट राइट नाउ. सो या मैं निकल रही हूँ एंड मैं आपको वहाँ पर मिलती हूँ. तो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. ये मैंने लास्ट हॉल में ली, लास्ट क्रॉफर्ड मार्केट जब गई थी मैंने तब लिया था ये ब्यूटिफुल सा अनारकली ड्रेस है ना. आप देख सकते हो कि कितना सुंदर है. एंड अभी मैं इसको आपको पूरा हॉल वॉल जो भी मैं सब साथ में और आज भी जो लूँगी सब सामान सब मैं एक साथ बताऊँगी. सो चलो अभी जाते हैं. सो राइट नाउ मैं अभी पूरा शॉपिंग एंड ऑल सब करके आ चुकी हूँ. आप मेरे फेस से देख रहे होगे मैं काफ़ी टायर्ड हूँ एंड अभी मैं आपके साथ जो भी मैंने कल शॉपिंग किया एंड एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग इट विद यू गाइस. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. ओके सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद दीज सूट्स विच आई गॉट फ्रॉम क्रॉफर्ड मार्केट. एंड यू गाइज कैन सी दीज आर फोर सेट ऑफ सूट्स और एक जो मैंने अभी पहना हुआ है ये भी मेरा क्रॉफर्ड मार्केट से ही लिया हुआ है. ये इसका भी क्लिप मैं आप नेक्स्ट इसमें अटैच कर दूंगी. एंड द फर्स्ट वन इज दिस. सो यू गाइज कैन सी ये अभी नया आया है सूट में लखनवी. सो दिस इज अ लखनवी पैटर्न. सो दिस कम्स विथ अ टॉप. सो दिस इज द टॉप एंड दिस इज अ द पैंट. सो इसकी जो पैंट है इसमें ऐसा वाला डिटेलिंग नेट का दिया हुआ है. जो इसका जो लेंथ है इसमें भी सेम पैटर्न दिया हुआ है एंड द एम्ब्रॉयडरी एंड एवरीथिंग इज ऑल ओवर द ड्रेस एंड आई जस्ट लव. और जो ये मटेरियल है ये ऑर्गेन्जा टाइप ऑफ मटेरियल बट इट इज कॉटन ऑर्गेन्जा आई गेस.
या मैं आपको जो मटेरियल एग्जैक्ट मैं मम्मी से पूछ के मैं इधर लिंक करूँगी नेम मटेरियल का, तो आपको आइडिया हो सकता है हो जाएगा कि ये क्या मटेरियल है. बट दिस इज रियली रियली सॉफ्ट टू टच. एंड ये जो है सारे सूट पीस जितने भी मैंने आज की वीडियो में मैं बताऊँगी, ईच सूट कॉस्टेड मी अराउंड 700 to 750 रुपीज. सो दिस इज द फर्स्ट सूट. यही मैंने दूसरा भी कलर लिया है, दैट इज दिस ग्रीन कलर. ये ग्रीन है, दैट वॉज ब्लू. सो वेट आई शो यू. सो दिस वॉज ब्लू एंड दिस इज ग्रीन. इतना पसंद आ गया कि मैंने इसमें दो कलर ले लिए. सो दिस इज हाउ द पैंट लुक. सब कुछ सेम ही है इसका, बस द कलर इज डिफरेंट. एवरी एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइन इज ऑल्सो द सेम, बस इसका कलर डिफरेंस है. जो नेक्स्ट है वो है ये. सो दिस इज हाउ द सूट लुक्स. यू कैन सी इज द टॉप. ये एकदम बेसिक कुर्ती टाइप है. इसके इसमें गोता पट्टी का वर्क दिया हुआ है इधर. ये एक प्रिंटेड टॉप है. सेम इसकी जो स्लिट्स है इसमें भी आपको गोटा पट्टी का वर्क. सो दिस इज हाउ द पैंट इज. ये भी बेसिक पैंट है, इसमें कुछ ऐसे नीचे नीचे है नहीं. दिस इज द फोर्थ वन. ये भी ऐसा कॉटन मटेरियल में है. एंड दिस इज द स्लीव्स. ठीक है, ये स्लीव्स है. एंड इसके जो इसके अंदर है ना, इधर ऐसे टैसल्स है आपको मिल जाएंगे. ये बांधने वाला नहीं है, बस शो के है. इसकी ये जो स्लिट है ना, इस पर भी आपको ऐसे डिज़ाइन मिल जाएगा. बेसिक पैंट, इसका प्रिंटेड पैंट पैंट है. क्लोथिंग आइटम्स में मैंने इतना ही लिया है बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ लॉट, जो अभी मैंने रिसेंटली में भी लिए थे. सो आई बी वेयरिंग ऑल ऑफ दोज. एंड क्योंकि मुझे बेसिक रमज़ान के लिए कोई कोई जो बड़े दिन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, उसमें पहनने के लिए जो लगते हैं न्यू क्लोथ्स, तो उसके लिए मैंने ये सब लिए है. इस रिंग, ये बेसिकली मैंने ईद के लिए लिया. अब आई डोंट नो कि मैं यही पहनूंगी, इससे अगर बेटर मुझे कोई मिल गई तो मैं फिर वो पहनूंगी. एंड दीज आर द सेट ऑफ थ्री रिंग्स. इसे बेसिक रिंग ही है, तो ये मैंने बेसिक डेज जैसे पे पहनने के लिए लिया है. अगर मेरे को कोई पहनना हो आपको डाल के बताती हूँ. ऐसा लगता है ये फिंगर पे. देन आई गॉट दिस टेबल क्लॉथ, व्हाट यू कैन से. तो अभी मैं इसको ईद के लिए, मेरे को चाहिए, आई विल बी होस्टिंग अ ईद पार्टी, सो उसके लिए आई हैव बॉट दिस. सो ये भी बहुत ही प्यारा सा नेट का है. बेज ऑकर कलर बोलेंगे, ऑकर भी नहीं, बेज वाइटिश बेज में ये. एंड जो नेक्स्ट है वो मैंने लिए है ये रमज़ान के डेकोर के लिए. जैसे कि मैंने बताया कि मैं ईद पार्टी होस्ट करने वाली हूँ, तो उसके लिए आई बी नीडिंग दीज. सो मैंने ये तीन ले लिए है रेड कलर में. एंड या तो क्रॉफर्ड मार्केट में बहुत 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 ढूंढने के बाद में एक बंदा मिला था जो ये बेच रहा था. बिकॉज राइट नाउ दे डोंट हैव रमज़ान का स्टफ, मुझे नहीं मिला कुछ भी रमज़ान का ऐसा डेकोर वहाँ पे. सो अगर अभी आप प्लान करो जाने का तो प्लीज़ मत जाना, क्योंकि वहाँ पे अभी आपको रमज़ान का डेकोर नहीं मिलेगा. हाँ, बस बाकी सब कुछ आपको सब मिल जाएगा, सूट्स एंड एवरीथिंग. बट रमज़ान का डेकोर के लिए अगर आपको जाना है तो अभी इट्स नॉट द राइट टाइम आई गेस, बिकॉज मेरे को तो ये भी बहुत मुश्किल से मिला. और जो बंदा था इट वॉज सो इरिटेटिंग. एंड उसको इतनी मुश्किल से हमने लिया है ये, बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू सेल ओनली. एंड या सो ये मेरे को मिले है 150 फॉर वन. सो आई गेव 450 फॉर टू थ्री, सॉरी. आई ऑल्सो गॉट दीज फेरी लाइट्स. सो बेसिकली ये तीन मैंने लिया है वो लैंटर्न्स के अंदर डालने के लिए. तो ये छोटी वाली है. एंड एक बड़ी वाली मैंने ली है टू डेकोरेट जो मुझे लगेगी. तो दिस इज़ द सबसे जो लंबा लेंथ होता है वो ये वाले लेंथ का लिया है मैंने, कि मुझे लगता है डेकोरेट करने के लिए. सो या यू नीड टू अटैच सेल विद दिस. एंड इसके साथ अपने को आपको सेल अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही ऑन कर दोगे तो ये ऑन हो जाएगा. तो दिस वॉज वन. तो ये मेरे को जो छोटी वाली वो 50 rupees की ईच मिली, एंड ये जो बड़ा था वो 150 का मिला मुझे. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट ऑल आई गॉट फॉर रमज़ान, जो कि डिशेस प्रिपेयर करने के लिए, जो सॉसेस, कॉफ़ी एंड एवरीथिंग जो लगता है, वो सब मैंने नेसेसरी आइटम्स एंड बेसिक एसेंशियल्स लिए हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट.
ओके सो दीज आर ऑल द आइटम्स विच आई गॉट फ्रॉम द शॉप विच आई विल बी लिंकिंग राइट हियर. एंड द फर्स्ट इज दिस, वी गॉट दिस चीज ब्लेंड मेयोनीज. एंड देन उसके बाद में वी गॉट दिस CSC का मसाला. तो द फर्स्ट वन इज चिकन, सॉरी क्रिस्पी फ्राइड चिकन. देन वी गॉट अमेरिकन चिकन लॉलीपॉप. एंड द थर्ड वन इज स्पाइसी चिकन पॉप. सो ये मैरिनेटेड होते हैं एंड यू जस्ट नीड टू डिप योर स्टफ इन दिस एंड जस्ट फ्राई इट. एंड देन लेटर वी ऑल्सो गॉट दिस, दिस इज जीरा गोली. तो ये डाइजेशन के लिए मुझे बहुत काम आता है रमज़ान में. एंड देन आई गॉट दिस टू पाउडर्स, यू गाइज कैन सी दिस इज गार्लिक पाउडर एंड दिस इज अनियन पाउडर. द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज दिस मैगी मसाला, यू कैन सी दिस. तो ये जो है ये सो द नेक्स्ट थिंग विच वी गॉट इज दिस मैगी क्यूब्स एंड मैगी मसाला. सो इसका मैंने बड़ा वाला पैक लिया है. लेटर वी गॉट दीज कस्टर्ड जेलीज, कस्टर्ड मिक्स. तो इसके तीन पैकेट्स लिए है. देन वी गॉट दिस जेलीज बिकॉज आई लव 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 जेलीज एंड रमजान में तो हमारा फिक्स ही रहता है जेलीज. सो दिस इज द थ्री पैकेट्स विच आई गॉट इसका. एंड देन दीज यू कैन सी, तो ये कटोरी चाट के लिए बहुत काम आता है. सो द सिंगल कटोरीज लुक लाइक दिस. इसमें ना काफ़ी सारी कटोरीज होती है एंड ये चाट के लिए बहुत काम आता है. सो हमने वो पूरा पैकेट ही लिया है. एंड देन सम जेलीज, ब्रेड क्रम्स का पैकेट. जी ऑलरेडी ब्रेड क्रम किया हुआ है, सो आपको एक्स्ट्रा मेहनत लेने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट थिंग विच वी गॉट फ्रॉम द सेम शॉप इज दिस. सो दिस इज द रू अफ्ज़ा विच इज़ अ मैंडेट फॉर अस. So this is the roux afza I got. I got this chaat masala. Then this is the tomato ketchup which we got. And then that I got is this Schezwan sauce ka bada wala bottle. So this is the bottle which we got. Then I got the chili sauce from Ching's. Ye Ching's ka chili sauce hai. The white vinegar. This is the white vinegar which I got. Okay, so then the next shop which I got the stuff and most stuff from is the first is this. So ये खशखश है, ये खशखश होता है. This, this is the सूखा हुआ खोपरा, coconut. Then the next thing is this rose petals. These are the dried rose petals. And I got दिस ड्रिंक विच इज़ जिंजर एंड लेमन वाला, ये फर्स्ट वाला है. जो नेक्स्ट वाला है वो है मोहितो, मोहितो. देन आई गॉट दीज डेट्स. सो दिस इज द शॉप फ्रॉम वेयर वी गॉट द डेट्स. एंड ये मैंने एक एक किलो के टू पैकेट लिए. सो दीज आर ऑल द ड्राई फ्रूट्स दैट वी गॉट, आई शो यू वन बाय वन. सो ये गरम मसाला लाया है हमने. So these are the cinnamon sticks if I'm not wrong. नहीं ये दालचीनी है. एंड इज फ्रॉम द सेम शॉप. सब्जा है जो कि रू अफ्ज़ा एंड नॉल में यूज होता है. चिया सीड्स, पेपर पाउडर, सॉल्ट पेपर, जीरा. दिस इज द ड्राइड अंजीर जो कि मेरी मॉम को पसंद है, सो हमने ये लेके आया है. This is used for shirkumma or sevaiya, whatever you want to call it. This is a charoli. Dates, K4 packets. One, two. So these are the dried dates. These are the dried apricots. Then ये तो सबको ही पता होगा, ये बादाम है. So इसके हमने two packets लिए, which is half half kilo. यह है पिस्ता, इसका हमने वन के हाफ किलो लिया है. ये भी बिकॉज अगेन ये शिरकुम्मा में काम आता है. आई हैव फोर पैकेट्स ऑफ फालूदा मिक्स. तो ये रेडीमेड फालूदा होता है, इसको आपको बस दूध में डालना होता है. एंड यहाँ पे आपको सब इंस्ट्रक्शन एवरीथिंग आपको मिल जाएगा. और ये मैंने फोर फ्लेवर में लिया है. तो द फर्स्ट वन इज अ केसर, इज द पिस्ता वन. देन द थर्ड इज स्ट्रॉबेरी. हमने ये इलायची लिया है जो कि अगेन काम आता है रमज़ान में बहुत ज़्यादा. ड्राइड जिंजर विच आई लव टू ईट. तो ये भी मेरे डाइजेशन के लिए मुझे बहुत काम आता है रमज़ान. एंड द लास्ट इज सब्ज़ा. द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
आई गॉट इज कॉफी. सो दिस इज एक्स्ट्रा 41 एंड नेस्कैफे का है ये, एंड दिस इज द फेवरेट वन. इसका मुझे फोटे वाला भी बहुत पसंद है, बट दिस टाइम आई वॉन्टेड समथिंग स्ट्रॉन्ग क्योंकि रमजान है तो मुझे कुछ तो स्ट्रॉन्ग चाहिए नींबू लाने के लिए. सो दिस इज द वन आई गॉट. Okay guys, so that's it for today's video. I hope you like this whole Ramzan prep vlog and everything, the every item or I got and all. I actually forgot to end the vlog, so I'm ending it right now. And yeah, so please stay tuned for the whole Ramzan series, जो मेरे Instagram, जो भी मेरे YouTube पे आने वाली है अभी. And also I have set my Ramzan corner right here. I will be disclosing it really soon on the first roza or the second roza. So stay tuned for it. वो shorts पे डाल दूँगी मैं और also Instagram पे. So उसके लिए stay tuned. And yeah, that's it for today's video. I hope you liked this video, and if you did, then don't forget to hit that like button, subscribe to my channel, and I'll meet you in my next video. Till then, stay safe, take care, love you all. Bye bye. And also a very happy Ramzan Mubarak to all of you. Chandrat Mubarak, Ramzan Mubarak, and yeah, love you all. Bye.